हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस रियल टाइम क्लासरूम। तो गैस 1:30 बज चुका है और 1:30 बजे आप सभी लगाते हो सेट। अब आप लोगों को आदत छोड़ देना चाहिए नोटिफिकेशन का, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा और अभी तक नहीं किया है तो अब जाएगा भी नहीं। ये क्लास जो है 1:30 बजे वाला, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बार 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 बोल रहा हूँ पर डे कि आप लोग खुद से आकर यहाँ पे विजिट किया करो चैनल और देखा करो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो, ठीक है। तो 1:30 बजे, शार्प 1:30 बजे सब कोई ऑनलाइन आ जाया करो, आपका क्लास होगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर अलग बात है, लेकिन जनरली आपका क्लास होगा ही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सबों को ये बात समझ में आई और आप सभी जो रेगुलर है टाइम का क्लास है उस वक्त अपने से चेक कर लोगे, नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का स्थल बनवाली वर्तमान में किस क्षेत्र में अवस्थित है? जल्दी बताओ, सैंधव सभ्यता का स्थल बनवाली जो है वह अभी वर्तमान में किस क्षेत्र में अवस्थित है? बनवाली अभी कहाँ अवस्थित है? तो बनवाली कहाँ अवस्थित है? ये हरियाणा में अवस्थित है। हरियाणा यानी ये भारत का हिस्सा है, ठीक है। बनवाली हरियाणा में है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? RS विस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी बनवाली का, ठीक है। और कब किया गया था? 1974 में इसका खोज किया गया था, ठीक है। और अगर नदी आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे ये बसा है, तो किस नदी के किनारे बसा है जल्दी बताओ, किसी को आता है तो ये बसा है सरस्वती नदी के किनारे। किसके किनारे? सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हमें जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलती है? ऋग्वेद में हमें जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलती है? तो ऋग्वेद में हमें जन शब्द का उल्लेख टोटल 275 बार मिलती है। कितनी बार? 275 बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ऋग्वैदिक संस्था राजा को चुनने और हटाने का अधिकार रखता था? ऋग्वैदिक संस्था आपको बताना है जो राजा को चुनने और हटाने का अधिकार रखता था। तो देखो, बहुत जगह आपको इसमें आंसर अलग अलग मिलेगा, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट सही आंसर होना चाहिए, देखो इस पर सबसे पहले तो इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, ठीक है। अब विदत तो होगा नहीं, सभा और समिति में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो सभा और समिति में, सभा जो है वह संभ्रांत लोगों का मीटिंग हुआ करता था, यानी बड़े बुजुर्ग का हुआ करता था, और समिति जो है यह कॉमन मैन का हुआ करता था, जिसका काम होता था जो राजा है उसको चुनने और हटाने का, ठीक है। ये ऐसा कहा गया समिति का होता था, लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको सभा और समिति दोनों मिलेगा कि इन दोनों का ये काम होता था कि राजा पर निगरानी कैसे रखा जाए, राजा के कार्य प्रणाली पर कैसे असर डाला जाए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो सभा और समिति दोनों होगा, अगर ये ऑप्शन में है तो। नहीं रहता तो आपका आंसर होता समिति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व के आसपास 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ने के कारण निम्न में कौन जैन भिक्षु मगध से अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक को चले गए थे? 300 ईसा पूर्व के आसपास 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था मगध में, मगध क्षेत्र में। तो इसके कारण से एक जैन भिक्षु ने क्या किया, मगध छोड़कर वो लोग कर्नाटक चले गए। आपको बताना है वो कौन थे, तो वो थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु थे। अब हुआ क्या, भद्रबाहु चले गए कर्नाटक, लेकिन जब अकाल खत्म हुआ तो ये लोग वापस आए, और जब वापस आए तो यहाँ पे कुछ और देखने को मिला। अब यहाँ पे जो जैन संप्रदाय है उसमें दो तरह के लोग हो गए थे, एक जो भद्रबाहु को सपोर्ट कर रहे थे और एक जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इस कारण से जो जैन संप्रदाय है वह दो भागों में बढ़ गया, और भद्रबाहु को सपोर्ट करने वाले दिगंबर कहलाए, और जिसने सपोर्ट नहीं किया वे श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। श्वेतांबर के जो नेता थे वो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के जो नेता हुए वो हुए भद्रबाहु। तो ये दो भाग है जिसमें जैन संप्रदाय बट गया था 12 वर्षों के बाद, जब अकाल खत्म होने के बाद जब भद्रबाहु आए थे मगध, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो दिगंबर हैं वह नग्न रहते हैं यानी वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन श्वेतांबर वाइट कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। ये दो तीन बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन सा कथन सही है। तो शिवाजी से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहला है, शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले था।
दूसरा है शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। तीसरा है शिवाजी ने अपने प्रथम सैन्य अभियान के तहत 1643 ईस्वी में दक्षिण में स्थित बीजापुर के सिंहगढ़ के किले को अधिकार कर लिया था। और चौथा है 1665 में शिवाजी और महाराजा जयचंद के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। आपको बताना है इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जल्दी से बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका सही है। तो स्टेटमेंट सही कौन कौन सा है? पहला स्टेटमेंट, इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, बिल्कुल था, यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में, मैंने बताया हुआ था 1627 या 1630, दोनों में से कोई एक डेट आपको पकड़ना है, ठीक है। और इस ईयर में शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? शिवाजी ने अपने प्रथम सैन्य अभियान के तहत 1643 में दक्षिण में बीजापुर के बीजापुर के सिंहगढ़ किले को अधिकार कर लिया था, ये भी सही है, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है? 1665 में शिवाजी और महाराजा जयचंद के बीच नहीं, महाराजा जय सिंह, ठीक है, महाराजा जय सिंह के बीच में संधि हुआ था। किसके बीच? महाराजा जय सिंह के बीच, ठीक है। तो आपका 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन डी सही है, क्लियर है। और पुरंदर की संधि कब हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, 1665 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच किस नदी के तट पर हुआ था? प्लासी का युद्ध अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच किस नदी के तट पर हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? यह हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों के द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो कम से कम इसमें 50 होना चाहिए, तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 50 जो प्रस्तावक हैं उनकी संख्या 50 होना चाहिए, और जो अनुमोदक हैं उनकी संख्या भी 50 होनी चाहिए, अगर कोई शख्स राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, ये गुजरात का जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम को भारत के मुख्य में से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? अच्छा, रामेश्वरम को भारत के मुख्य भाग से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, भारत के मुख्य का जमीन भाग जो है इससे रामेश्वरम को कौन अलग करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है, या कौन जलमार्ग अलग करता है, कौन करता है? ये करता है पंबन चैनल, ठीक है। पंबन चैनल जो है यह रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूमि से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। बीसी रॉय के जन्मदिवस पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास? सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ये कोणीय दूरी है, ठीक है। दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी को मेजर करने के लिए हम लोग सेक्सटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ जो है इसका विघटन हो गया था 15 स्वतंत्र गणतंत्र में। आपको ये बताना है ये कब हुआ था,
कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में, 1991 में जो आपका यूएसएसआर था, जिसको हम लोग सोवियत संघ बोलते हैं, इसका विघटन हो गया था अलग अलग 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? किस तट के निकट पाई जाती है? यह है ऑस्ट्रेलिया के निकट, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ आप जानते हो, यह है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा का चट्टान, और ये जो कोरल रीफ चट्टान है यह ऑस्ट्रेलिया के तट के पास पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वितरण का सीमांत उत्पादिता सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के किसी घटक की कीमत इस पर निर्भर करती है। वितरण का सीमांत उत्पादिता सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के किसी घटक की कीमत किस पर निर्भर करती है, जल्दी बताओ। वितरण के सीमांत उत्पादिता सिद्धांत के अनुसार तो किस पर निर्भर करती है? यह करती है पूर्ण उत्पादिता पर, ठीक है। उत्पादित सीमांत उत्पादिता सिद्धांत के तहत उत्पादन के किसी भी घटक का कीमत जो है वह पूर्ण उत्पादिता पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? घूर्णन गति के मापन के लिए हम लोग टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1959 में हुआ था, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है ये स्वतंत्र विद्यालय कब बन गया था? तो स्वतंत्र विद्यालय ये 1975 में बन गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पके हुए केले में डैश प्राथमिक अम्ल मौजूद होता है। पके हुए केले में कौन सा एसिड प्राथमिक रूप से मौजूद होता है? कौन सा एसिड है वो? वो एसिड है मैलिक एसिड, ठीक है। पके हुए केले में आपको मेनली जो मिलेगा वो मैलिक एसिड मिलेगा, लेकिन मैलिक एसिड के साथ साथ और भी कुछ एसिड मिल सकते हैं आपको, जैसे सैट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर ये तीनों ऑप्शन में रहता तो ये तीनों सही हो सकता था, सैट्रिक एसिड और इसके साथ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ये तीनों आपको मिलता है, लेकिन मेन रूप से आपको मैलिक एसिड मिलता है। सिर्फ केले में ही नहीं, जो जनरली जितने भी फल हैं, फलों में पके होने के बाद यानी पकने के बाद उसमें मैलिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन बहुलक नहीं है? संघनन बहुलक नहीं है। संघनन बहुलक ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन पॉलीमर या कंडेंस्ड पॉलीमर, ठीक है। तो कौन सा एक कंडेंसेशन पॉलीमर या कंडेंस्ड पॉलीमर नहीं है? यह आपका पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीथीन एक कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सबसे अधिक उपस्थिति किस राज्य के सदस्यों की है? तो लोकसभा में सबसे अधिक जो मेंबर हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं यूपी से। कितना आता है? यूपी से 80 लोकसभा मेंबर चुन के जाते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर राज्यसभा का बात किया जाता है तो सबसे अधिक कहाँ से आता है? तो राज्यसभा में सबसे अधिक यूपी से आता है। और कितना आता है? राज्यसभा में आता है 31, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जो भी आपके लेदर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जनरली जहाँ पे लेदर का टैनिंग प्रोसेस होता है वहाँ पर एक जो मेटलिक चीज है वह पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है, वह कौन सा है? तो वह आपका क्रोमियम। कौन सा है? क्रोमियम है जो पाया जाता है जो भी लेदर इंडस्ट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जल्दी बताओ, जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर जो है यह जिंक, तांबा और निकल का मिश्र धातु है। किसका? जिंक, तांबा और निकल। इसमें जो परसेंटेज होता है जनरली वो होता है जिंक का 20%, ठीक है, तांबा का 60% और निकल का 20%। ये कॉम्बिनेशन होता है, इससे आपको मिलेगा जर्मन सिल्वर।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सोने के सिक्के से रिलेटेड तीन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है और आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंडो ग्रीक ने चलाया था, सबसे अधिक गुप्तों ने चलाया था, ठीक है, और सबसे शुद्ध कुषाणों ने चलाया था। ये तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म को पालने मानने वाला था, ठीक है। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का पालन तो ये करता था लेकिन किस शाखा का? तो कनिष्क महायान का पालन करता था, ठीक है। अगर याद नहीं रहता है तो याद रखना, कनिष्क जो शासक था वो एक बहुत ही महान शासक था, तो महान शासक था तो वह महायान का पालन करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? किसको मिला था? यह मिला था प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था? जल्दी बताओ, किसके दौरान हुआ था? यह हुआ था राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण कराया गया था, और यह एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ है? यह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रचलित विष्टि क्या था? गुप्त काल में एक टर्म प्रचलित था विष्टि, आपको ये बताना है ये विष्टि क्या था। तो विष्टि था निशुल्क श्रम। अच्छा, ये तो वर्ड आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा निशुल्क श्रम देखकर, लेकिन ये उतना अच्छा जॉब था नहीं जितना आप सोच रहे हो। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। आप समझ में आ गया होगा कैसा था। तो ये एक तरह का गुलामी था विष्टि जो था, या निशुल्क श्रम मतलब वॉलेंटियरी सर्विस नहीं समझ लेना, ये था फोर्स्ड लेबर, यानी जबरदस्ती काम करवाया जाता था और कुछ पैसे भी नहीं दिए जाते थे उसके बदले में। तो इसको हम लोग स्लेवरी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, यानी गुलामी के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान और महायान में बट गया? तो बौद्ध दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। आपको यह बताना है किसके शासनकाल के दौरान ऐसा हुआ था, किसके शासनकाल के दौरान? तो कनिष्क के शासनकाल के दौरान यह हुआ था। आपको पता है कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथा बौद्ध संगति हुआ था, और चौथे बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध है वह दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजराज प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहां पे आपको एक साइड दिया हुआ है महाजनपद, दूसरा साइड है राजधानी। आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग एक तरफ से पहले मैच करते हैं, देखते हैं सही कौन कौन सा है। क्या कुरु इसमें इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है? तो बिल्कुल सही है, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ है। चेदी का राजधानी पोटली है? बिल्कुल गलत है, चेदी का राजधानी पोटली नहीं है, चेदी का राजधानी शक्तिमती है। कहाँ है? शक्तिमती, ठीक है। मगध का राजधानी गिरिब्रज, ये सही है, ठीक है, राजगिरी है गिरिब्रज। और मल्ल का राजधानी कुशावती, तो ये भी सही है। तो आपका बी जो है वह गलत था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? मौर्यों ने जो अशोक मौर्य के टाइम में, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो निर्माण हुआ था, ठीक है, सुदर्शन झील, आपको यह बताना है कि उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था। मैंने आप को बताया हुआ है किसके टाइम में निर्माण हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और पुष्यगुप्त करके एक इनके एक गवर्नर थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब बताओ इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार करवाया था और स्कंदगुप्त ने भी करवाया था, ठीक है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी, दोनों,
ए और बी दोनों, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। पहली बार रुद्रनामन ने करवाया और फिर दूसरी बार स्कंदगुप्त के द्वारा इसका जो जीर्णोद्धार है यानी रिपेयरिंग है वो करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। कौन था? रॉल्फ फिच, जो बिहार आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो जो भी आपके चार झील दिए हुए इसमें से बिहार में कौन सा स्थित है? तो बिहार में आपका अनुपम झील स्थित है, ठीक है। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। रेस्ट सांबर झील राजस्थान में स्थित है। सुखना झील कहाँ है? सुखना झील छत्तीसगढ़ में स्थित है। और कामा झील कहाँ है? कामा झील ये एक तरह का डैम है, ठीक है, कामा डैम, और ये रूस में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर कौन सा है? यहाँ आपके ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा कटिहार, ठीक है। देखो बार बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो ये होगा किशनगंज, जो यहाँ पे है, ठीक है, किशनगंज। और जैसे आप नीचे उतरोगे, किशनगंज से थोड़ा सा नीचे आओगे, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा पूर्णिया। क्या मिलेगा? पूर्णिया। तो पूर्णिया भी आपका आंसर होता है। उससे जब थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कटिहार, ठीक है। और उससे नीचे जब आओगे तो यहाँ मिलेगा भागलपुर, ठीक है। और भागलपुर से थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ मिलेगा बांका, ठीक है। तो ये सारे हैं जो आपके पूरब साइड में, यानी बिहार के पूरब के साइड में है। तो सबसे पूर्वी में ये तीन आपके ऑप्शन में रहता है, ठीक है। यानी या तो किशनगंज रहेगा, या पूर्णिया रहेगा, या कटिहार रहेगा। तो जो ऑप्शन में है उस हिसाब से देखो, अगर इन तीनों में से तीनों अगर ऑप्शन में है तो ऑब्वियस है किशनगंज ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन विज्ञान में योगदान के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया जाएगा? जीवन विज्ञान में योगदान के लिए या जीव विज्ञान में योगदान के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया जाएगा डॉक्टर कार्ल एच जून और डॉक्टर वास नरसिम्हन को, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? इनको दिया जाएगा जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, 2020 में डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता? 2020 में डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता था? गीता सेन ने यह पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इसरो का न्यू ब्रांच है, ठीक है, और ये कॉमर्शियल ब्रांच है, यानी इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी NSIL। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके अध्यक्ष जी नारायण नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोन नेटवर्क में कार्यात्मक ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन वाला देश का पहला जोनल रेलवे बन गया है? जल्दी बताओ कौन सा वो जोन है जिसने ऊर्जा में जो आत्मनिर्भरता है वो हासिल किया है, इसलिए इसको ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन बोला गया है। यह है आपका दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में आयोजित। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी के बाद भारत में दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनके बाद किसका पोजीशन है इंडिया में? तो इनके बाद जो पोजीशन है वह है राधा किशन दमानी का। किसका? राधा किशन दमानी का इसके बाद पोजीशन है। और ये कौन है राधा किशन दमानी? तो डी मार्ट के संस्थापक है। किसके हैं? डी मार्ट के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में जारी बल्लेबाजों के लिए नवीनतम ICC महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में स्मृति मंधाना की रैंक क्या है? स्मृति मंधाना का रैंक आपको बताना है क्या है? तो स्मृति मंधाना का रैंक है चौथा,
कौन सा रैंक है, यह है चौथा रैंक। अगला क्वेश्चन है, वैलेंटाइन डे से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान चलाया था। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी से पहले प्यार का पौधा नाम का एक अभियान किस राज्य ने चलाया था, ये बिहार में चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में INS डेगा द्वारा एक मॉक एंटी हाइजैक अभ्यास किया गया, आपको ये बताना है ये कहाँ किया गया। एंटी हाइजैक अभ्यास ये INS डेगा के द्वारा किया गया, आपको ये बताना है ये कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था विशाखापट्टनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन भारत में पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां रेल पटरियों के ऊपर एक 5 सितारा होटल होगा। तो 5 स्टार होटल रेल पटरियों के ऊपर कौन से रेलवे स्टेशन पर होगा, तो कौन सा रेलवे स्टेशन है, वह है आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कौन सा है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, कथित तौर पर AWS यानी अमेजन वेब सर्विसेज भारत में 2 डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए लगभग $1.5 बिलियन का निवेश कर रही है, ये डाटा केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे। अमेजन वेब सर्विसेज ये भारत में 2 डेटा केंद्र स्थापित कर रहा है और इसके लिए लगभग $1.5 बिलियन खर्च करेगी ये कंपनी। अब आपको ये बताना है ये डाटा केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे, कहां किए जाएंगे, ये हैदराबाद में स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रतिष्ठित इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर चुना गया। इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है और बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है, आपको ये बताना है वो कौन है, कौन है वो, वो है डॉक्टर सोहिनी शास्त्री। कौन है, डॉक्टर सोहिनी शास्त्री को बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में कोरोना वायरस के बाद एक और रहस्यमय वायरस कहां पाया गया जिसका नाम यारो वायरस रखा गया है। कोरोना वायरस का कहर तो आप देख ही रहे हो, तो नवंबर दिसंबर में ये चालू हुआ और पूरी दुनिया को इसके बारे में जनवरी लास्ट में पता चला, फरवरी सब में पता चला और फरवरी में ही एक और वायरस का पता चला है जिसका नाम है यारो वायरस। तो वो यारो वायरस कहाँ पता चल पाया था, यानी कहाँ वो आया था अस्तित्व में, तो ये है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में एक और न्यू वायरस मिला था जिसका नाम था यारो वायरस और इसके साथ ही एक और वायरस फिर से एक्टिव हो गया था, वो था हंता वायरस। ये पुराना वायरस है, ठीक है, ये चाइना में फिर से आपको एक्टिव देखने को मिला था इस सिचुएशन में। और ये हंता वायरस जो है ये चूहों से फैलता है, चूहों का जो एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं जैसे उसका यूरिन हो या उसका टट्टी हो, ठीक है, तो उन सब के कॉन्टैक्ट में आने से आदमी में इन्फेक्शन फैलता है और फिर वहाँ से जो है हंता वायरस का खतरा बढ़ता है। हंता वायरस में मोर्टैलिटी रेट कम है लेकिन जो असर है उसका भी अभी ज़्यादा देखने को मिला था चाइना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टायरानोसोरस नाम याद रखना है आपको, ये प्रजाति है टायरानोसोरस। ठीक है, टायरानोसोरस की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जो मांस खाने वाले डायनासोरस का क्रूर परिवार है जिसमें कुख्यात टायरानोसोरस रेक्स शामिल है। इसका डैश में एक शौकिया जीवाश्म शिकारी द्वारा पता लगाया गया है, आपको यह बताना है कहाँ पता लगाया गया है टायरानोसोरस का एक नया प्रजाति जो मांस खाने वाला डायनासोरस का एक ग्रुप है, एक परिवार है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका एक नया जो जीवाश्म है, नए किस्म के, नए तरह के, नए स्पीसीज का जो जीवाश्म है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह अल्बर्टा से प्राप्त हुआ है, कहाँ से, अल्बर्टा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन किस वर्ष में स्थापित किया गया था, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन किस वर्ष स्थापित किया गया था ये बताना है आपको। तो ये 1963 में स्थापित किया गया था और फरवरी 2020 में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से इन्होंने मुलाकात की और इसीलिए ये चर्चे में आए।
ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेट अच्छा लगा होगा। चलिए, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो जम के, तो आप लोग जितने भी पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करो। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।